राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे चतुर्मास को लेकर। चतुर्मास क्या है, इसमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, चतुर्मास को शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है, चतुर्मास विशेषकर किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, तो ये सारे प्रश्न हमारे आपके दिमाग में चलते रहते हैं, मन में चलते रहते हैं, क्योंकि अब चतुर्मास का समय है। चतुर्मास हमारे प्रभु जब 4 महीने के लिए सो जाते हैं उस अवस्था में भी चतुर्मास बोला जाता है, या बरसात के 4 महीने को भी चतुर्मास बोला जाता है। तो चतुर्मास में ऐसा क्या उपाय किया जाए, कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं, किस किस की पूजा हम करें जिससे चतुर्मास का लाभ हमें प्राप्त हो। तो चतुर्मास का अगर आप सात्विक अर्थ देखें, चतुर्माने 4, मास माने महीने, तो 4 महीनों का जो समूह है वो चतुर्मास है। अब कौन से 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लेकिन कभी कभी तिथियां घट बढ़ जाती हैं, तिथियों के अनुसार ये दिन घट बढ़ जाते हैं, लेकिन जो चतुर्मास के ये मास हैं, अगर हम वैसे देखें तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार, ये 4 महीने चतुर्मास के होते हैं और इतने शुभ होते हैं कि एक तो इनमें गुरु पूजा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, दूसरा भगवान भोले की कृपा हमें प्राप्त होती है। श्रावण के महीने में भगवान भोले की पूजा की जाती है, आषाढ़ के महीने में गुरु की पूजा की जाती है, विष्णु की पूजा की जाती है, श्रावण में भोले बाबा की, शिव परिवार की, गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है, और हम लोग फिर पितृपक्ष आता है, भादों में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उनकी पवित्रता तो इन चतुर्मास को एक बहुत सुंदर मास बनाती है। अब हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत सी कॉल हमारे पास आती हैं और कहते हैं देव सो गए तो पूजा किस चीज की कराएं, पूजा तो नहीं करानी चाहिए। लेकिन मैं उनसे बोलता हूं कि यही शुभ दिन है, इनमें जो भी पूजा पाठ आप कराते हैं, जो भी, चाहे वो पितरों के निमित्त हो, भगवान के निमित्त हो, गुरु के निमित्त हो, किसी के निमित्त, ग्रहों के निमित्त हो, वो पूजा मान्य और सक्सेसफुल होती है। उस पूजा में आप कोई भी पूजा कराइए, आषाढ़ के महीने में आप कोई भी पूजा कराइए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। श्रावण मास में आप कोई भी पूजा कराइए, भादवे में आप कोई भी पूजा कराइए, पितरों की पूजा, जो क्वार का महीना होता है उसमें पितृ पक्ष आता है, उसमें पितरों की पूजा आप कराइए। कौन कहता है पूजा नहीं होती, लेकिन हमारे मन का संशय है कि देव सो गए तो आप पूजा किस चीज की करें। तो देखिए कौन कौन से कार्य नहीं होते, शादी विवाह नहीं होते, क्योंकि जब गुरु हमारे भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं तो हमारे सत्य सनातन धर्म में विवाह प्रतिबंधित हो जाते हैं, विवाहों पर हम विवाह नहीं कर सकते, चाहे उसमें नवरात्रि आ जाए बीच में। बहुत से लोग कहते हैं नवरात्रि आ रही है कर लें, लेकिन ये गलत है। जब तक देव नहीं उठे, देव उत्थान एकादशी नहीं आए, तब तक हमें विवाह नहीं करना चाहिए सत्य सनातन धर्म के अनुसार। चतुर्मास के श्रावण और भादवा महीना विशेष शुभ होता है, जिसमें भगवान विष्णु की, शिव जी की, राम जी की, कृष्ण जी की आप पूजा कर सकते हैं, ग्रहों की पूजा आप कर सकते हैं, ऊपरी पराई बाधा की पूजा आप कर सकते हैं, किसी का किया कराया नजर गुजर ऐसी पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ महीने हैं, उत्तम महीने जिनको बोला जाता है।
इन पर सबकी दृष्टि होती है, पितरों की भी दृष्टि होती है, शिव जी की भी दृष्टि होती है, रामकृष्ण की भी दृष्टि होती है, भगवान विष्णु शयन चले जाते हैं तो गुरुदेव की दृष्टि होती है। तो इन सभी दृष्टियां एक साथ जब पड़ेंगी और आप कोई पूजा पाठ जप अनुष्ठान तप सिद्धि कुछ भी करेंगे तो किसी ना किसी की नजर आप पर अवश्य पड़ेगी और आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। चतुर्मास में संकल्प लेकर की गई पूजाएं निश्चित रूप से सफल होती हैं। अगर आपको अपने पितरों की पूजा करानी है तो पितृ पक्ष में आप करा लीजिए, तर्पण कराइए, सपिंडी कराइए, आप गया जी जाकर कराएं, या आप अपने यहां कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है वहां कराएं, या आप किसी संस्थान का सहयोग लेकर कराएं, या आप हमारे संस्थान का सहयोग लें, फल एक बराबर होता है चतुर्मास में पूजा कराने का। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आपके घर में अगर कोई परेशानी है किसी भी प्रकार की है तो इस चतुर्मास में अवश्य पूजा कराइए, जिससे वो परेशानी दूर हो, आपको सफलता मिले, आपको लाभ मिले, कोई भी समस्या उनके जीवन में ना आए। इन सब बातों में चतुर्मास एक शुभ दिन शुभ समय आपके लिए लेकर आता है, जिसमें आप हर प्रकार से समृद्ध होते हैं। अब हम चलते हैं चतुर्मास के पर उपरूप में। अब वो क्या होता है, एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं, बरसात होती है, फसल होती है, हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, तो जब हरियाली दिखाई देती है तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं, क्योंकि हरियाली समृद्धि का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। तो जब आप कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में बहुत सारे दिनों से है, तो आप उसे जंगल में ले जाइए या पार्क में प्रतिदिन लेकर जाइए, उसे हरियाली दिखाइए। इस चतुर्मास में अगर आप उसे हरियाली दिखाएंगे तो निश्चित मान लीजिए अति शीघ्र उसका शरीर ठीक होता चला जाएगा, ये निश्चित मान लीजिए आप, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब जो चतुर्मास का समय है, इसमें हमें तीन चीज भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान देना। एक तो किसी की झूठी गवाही नहीं देना चतुर्मास में, अगर आपने झूठी गवाही दी तो आपके जीवन में इतनी समस्याएं उत्थान कर जाएंगी कि आप समस्याओं को हटाते हटाते थक जाएंगे, लेकिन समस्या कम नहीं होंगी। सबसे पहले झूठी गवाही कभी मत देना। इस चतुर्मास में अगर हो सके, आप अगर कर सके, तो ऐसा पुण्य करना कि जिससे किसी को शांति मिले, किसी गरीब को भोजन करा देना, किसी निवस्त्र वाले को वस्त्र प्रदान कर देना, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इस चतुर्मास में आपने किसी का दिल दुखाया, किसी से झगड़ा किया, किसी के प्रति गलत सोच रखी, तो भी वो सारा का सारा आपके ऊपर पुनरपि होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये हमारा जन्म मरण बार बार आते रहते हैं। और ये चतुर्मास में अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा प्राप्त होगा, और किसी के प्रति हम गलत सोचें और ऐसा सोचे कि ये तो बहुत गंदा है, ये तो फलाना है ढेका है, तो आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि सेम वैसा ही आपके ऊपर आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें, और चतुर्मास में तो भूल कर ना करें, क्योंकि भगवान का जन्म इसी मास में होता है।
कृष्ण भगवान का चतुर्मास में जन्म हुआ, शिव जी की पूजा चतुर्मास में उत्पन्न होती है और अधिक लाभ देती है। तो इन सब चीजों को आप विशेषकर पितरों की पूजा भी, पितृपक्ष भी चतुर्मास में आता है। तो जो चार महीने का ये संयोग है ये बहुत शुभकारी है। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जप तप सिद्धि आदि के लिए विशेष शुभ है। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ आप करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण, ऐसी कथाएं अगर जो व्यक्ति इस चतुर्मास में कराता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं आता। लेकिन चतुर्मास में ये पुण्य कराने पर, तो चतुर्मास हमारे लिए बहुत शुभकारी होता है। लेकिन इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, झूठी गवाही नहीं देना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी का पैसा ना मारना। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो विधिवत उसे लौटा दीजिए। अगर आप सोचते हैं मैं उसको पैसे नहीं दूंगा तो आपका ना जाने कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस मास में गणेश जी साक्षात रहते हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं और ऋणहर्ता भी हैं और ऋणकर्ता भी हैं। ये ध्यान रखना, आपके कर्ज को गणेश भगवान हटा भी सकता है और आपके कर्ज को गणेश भगवान बढ़ा भी सकता है। अब ये आपके मन पर, आपकी वाणी पर विशेष रूप से फर्क डालता है कि आपका मन क्या कहता है, किसी को देना है नहीं देना है, मुझे ये गलत काम करना है नहीं करना है। इस सब का संचालन भगवान गणेश करते हैं चतुर्मास में, नवग्रह करते हैं। तो इनकी शांति के लिए, इनकी समृद्धि के लिए हमको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चतुर्मास में अगर हो सके आप लोग परहेज कर सकें तो धूम्रपान का परहेज करें, दारू शराब का परहेज करें, अनर्गल वस्तु जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, जो अनर्गल हैं, जिनको हम नहीं खा सकते, ऐसी चीजों को आप ना खाएं, क्योंकि वो चीज किसी जीव को मार करके आप अगर अपना पेट भरेंगे चतुर्मास में तो आपको नुकसान होगा ही होगा, ये स्वाभाविक है। नहीं, अगर मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं है तो आप ये करके देख लेना कि आपके जीवन में कितना कष्ट बढ़ जाता है। तो चतुर्मास हमारे लिए पूजा पाठ के लिए ही श्रेष्ठ है, ना कि गलत कार्यों के लिए। हमें अपने जीवन में चतुर्मास में कभी भी अभद्र भाषा का आचरण हमें नहीं करना चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए। अभद्र भाषा का हम आचरण करेंगे, हमारे आचरण खराब होंगे, कलंक हमें लगेगा और बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी। और चतुर्मास में अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके अब लाभ मैं आपको बता देता हूं। बीमारी अगर शरीर में है, चाहे वो कैसी भी बीमारी है, चतुर्मास में इसके उपाय करने से जो भी ब्राह्मण आपको बताते हैं या जो मैंने आपको बताए, जैसे आप हरियाली दिखाएं, किसी बीमार आदमी को पार्क में लेकर के जाएं या जंगल में लेकर के जाएं, उसके निमित्त ग्रह शांति कराएं, तो वो अति शीघ्र सही होते हैं, तो उनकी बीमारी खत्म होती है। जिनके ऊपर कर्ज है वो ऋणहर्ता गणेश स्त्रोत का पाठ अपने घर में कराएं, अपने ऑफिस में कराएं, या जहां पर वो रहते हैं वहां कराएं, या खुद करें ऋणहर्ता गणेश स्त्रोत का पाठ, तो भी उनका ऋण खत्म हो जाएगा, कर्ज उतर जाएगा। किसी के शादी विवाह में परेशानी आ रही है तो इन मंथों में जो चतुर्मास है इसमें भगवान भोले का अभिषेक प्रतिदिन करें, प्रतिदिन, और ये नहीं कि मंत्रों के साथ करें, कच्चा दूध लेकर के जाएं, गन्ने का जूस लेकर जाएं, जो भी आपके पास है, और जल लेकर के जाएं, अभिषेक करें, 11 चावल अखंडित हो उनको चढ़ाएं और भगवान से मनोकामना बोलें, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इन सब बातों को ये आपके लाभ होंगे। कोई भी बिगड़ा कार्य अगर आपका है तो आप इसको अच्छे ब्राह्मण का सलाह लेकर के चतुर्मास में निश्चित रूप से सफल कर सकते हैं, चाहे वो आपके कोर्ट केस की बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोर्ट केस लगे हुए हैं आपके पक्ष में, फैसला नहीं आ रहा है और आप चतुर्मास में उपाय कीजिए, वकील को पेन गिफ्ट कीजिए और गणेश भगवान का पूजन कीजिए,
फैसला आपके सानिध्य में आ जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ करना आपको श्रेयधार्य होगा और आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।